हमारे पास ये क्वेश्चन मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैंने भी सोचा कि लैपटॉप में जो है सिम स्लॉट क्यों नहीं होता है। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा दो, और जाके हो सके तो इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लो। तो भाई का क्वेश्चन जो पूछते हैं कि लैपटॉप में जो सिम स्लॉट क्यों नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूँ तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि लैपटॉप में जो सिम स्लॉट आने लगा है, हाल के लैपटॉप में जो कि नए जनरेशन में लॉन्च हो रहा है लैपटॉप, उसमें हमें सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन पुराने जो लैपटॉप हुआ करते थे आज से 5 साल पुराना, उस समय जो है होते थे लैपटॉप में जो सिम स्लॉट नहीं होते थे। तो आपका क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि पहले वाला जो लैपटॉप होता था उसमें सिम स्लॉट क्यों नहीं होता था। तो चलिए आप सबको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो पुराने जो लैपटॉप होते थे तो उसमें सिम स्लॉट की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो हमारे पास सिम था, मोबाइल फ़ोन का जो सिम था, तो मोबाइल के लिए बनाया जाता था, यानी कि सिर्फ सिम को बनाया गया था बात करने के लिए, और फ्यूचर में ये नहीं देखा गया था कि इसमें जो है 4G नेटवर्क वाईफाई के टक्कर देने जैसा इंटरनेट चलेगा। लेकिन इस समय अभी इतना ज़्यादा हमें इंटरनेट फास्ट देखने को मिल जाता है जो कि वाईफाई को टक्कर दे। तो सिम कार्ड को जो है इसलिए बनाया गया था क्योंकि उससे सिर्फ हम कॉल कर सके। पहले जो नोकिया का फ़ोन आता था, छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन आता था, उस वक्त इंटरनेट का कोई संभावना नहीं था कि फ्यूचर में इंटरनेट आएगा। लेकिन उस वक्त लैपटॉप अवेलेबल था उस टाइम, और वाईफाई भी अवेलेबल था, और वाईफाई पर लैपटॉप काम भी कर रहा था। लेकिन उस वक्त तो सिम चलता नहीं रहा था, इसलिए सिम को क्यों डाल के लैपटॉप में फालतू में बर्बाद करता। तो इस वजह से उस वक्त सिम स्लॉट नहीं दिया गया था क्योंकि वाईफाई पर काम हो रहा था। लेकिन आज के समय में जो है लैपटॉप में हमें सिम की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि नेटवर्क जो दे रहा है अभी इतना फास्ट दे रहा है कि जो कि हमारे लैपटॉप को आराम से 4G डाटा पर चला सके। लेकिन एक बात को फिर बीच में एक और ट्रिक आया था जिससे कि हम सिम डायरेक्ट अपने लैपटॉप में लगा के चला सकते थे, क्योंकि लैपटॉप को बनाया गया था सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल के लिए, और उस वक्त जो था सिम में उतना ज़्यादा इंटरनेट फास्ट नहीं था कि लैपटॉप जो है सिम पर चला सके। लेकिन मोबाइल उस वक्त सिर्फ बात करने के लिए यूज़ किया जाता था, तो सिम जो है सिर्फ फ़ोन में लगता था, बल्कि इंटरनेट के लिए सिम को नहीं बनाया गया था। लेकिन इस समय 2020 में जो दोनों चीज़ का प्रयोग हो रहा है, यानी कि सिम को हम इंटरनेट के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन का जवाब निकल के आता है, लैपटॉप में सिम स्लॉट क्यों नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ।